तो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान पर बैठे हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान पर सवार दिख रहे हैं पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस पर उड़ान भरने वाले हैं और उत्साह देखने को जो उनकी आंखों में चमक है वो देखने को मिल रहा है एक अद्भुत नजारा आपके टीवी स्क्रीन पर जहाँ पर राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान पर सवार हैं और पहली बार ये मौका जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान पर उड़ान उड़ान भरेंगे और एक अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं और आपसे बस थोड़ी ही देर बाद ये विमान उड़ेगा और पूरी तैयारी जो है वो राजनाथ सिंह ने कर ली है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लड़ाकू विमान है उसकी तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान पर सवार है और अब से कुछ ही देर बाद लड़ाकू विमान उड़ान भरेगा और ये एक अद्भुत नजारा आपके टीवी स्क्रीन पर एक अद्भुत दिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान से उड़ान भरेंगे और एक जो चम तो आपको बता दें कि एक अद्भुत नज़ारा है और एक अद्भुत दिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान पर सवार हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये लड़ाकू विमान से उड़ान भरेंगे और कई जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं सारे पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पर सारी सुविधाएँ सारे सुरक्षा के इंतज़ाम की चेकिंग कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान पर सवार हैं और बस अब उड़ान भरने का इंतज़ार कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्री उड़ान भरेंगे एक नई इतिहास रचेंगे और बता दें कि ये पहला मौका है जब राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान पर सवार हुए हैं और इस लड़ाकू विमान से वो उड़ान भरने वाले हैं तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथ हिलाते हुए उत्साह से लबरेज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नज़र आ रहे थे और लड़ाकू विमान में उन्होंने लड़ाकू विमान में वो सवार हुए और अब हेलमेट लगाकर सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम के साथ अब थोड़ी ही देर बाद ये लड़ाकू विमान उड़ेगा और एक अद्भुत नज़ारा आप सबके सामने होगा तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑक्सीजन जो मास्क है वो भी लगा लिए गए हैं हेलमेट पहन लिया गया है और पूरी सुरक्षा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमान में मौजूद है और बता दें कि तेजस लड़ाकू विमान है और इस विमान में उड़ने का ये मौका बेहद ही उत्साहपूर्ण राजनाथ सिंह के लिए और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तो राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान में बैठने वाले हैं और थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान के उड़ान भरने वाले हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह प्लेन के अंदर सवार हो रहे हैं विमान के अंदर सवार हो रहे हैं और थोड़ी देर में उड़ान भरने के लिए तेजस विमान पूरी तरह से तैयार है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखला रहे राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने के लिए उसमें बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में तेजस लड़ाकू विमान से राजनाथ सिंह उड़ान भरेंगे तो काफी गौरव क्षण है ये और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं ये जहां गृहमंत्री राजनाथ रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस से उड़ान भर रहे हैं तो तेजस लड़ाकू विमान थोड़ी देर में उड़ान भरने के लिए तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस विमान में सवार हो चुके हैं और थोड़ी देर में लड़ाकू विमान से राजनाथ सिंह उड़ान भरने वाले हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार उड़ान भरने जा रही हैं तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरेंगे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखला रहे हैं पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस से उड़ान भर रहे आधुनिक सुविधाएं वाली तो तेजस में उड़ान भरने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमान के अंदर बैठ चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद विमान के कप्तान के द्वारा उड़ान भरा जाएगा और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं जहां तेजस एक लड़ाकू विमान है और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो तेजस विमान जो वर्ष 2016 में वायुसेना के जंगी बरे में शामिल हो गया था लेकिन तीन साल इस्तेमाल करने के बाद वायुसेना और एच को तेजस को और अधिक घातक बनाने की जरूरत पड़ गई हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यानी एच अब तक 16 एल तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण कर, कर वायुसेना को सौंप चुका है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने के लिए सवार हो चुके हैं और तेजस विदेशी लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यानी एच ने वायुसेना के लिए तैयार किया है करीब दो साल उड़ान के बाद एच अब तेजस का अपग्रेड वर्जन लाने वाला है जिसे ये फाइटर जेट दुनिया के एडवांस लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा आपको बता दें कि आखिर किस तरह नया तेजस एयरक्राफ्ट और अधिक लीथल यानी घातक होने वाला है ये जानने के लिए रक्षा मंत्री बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया और थोड़ी देर में वो उड़ान भरेंगे और देखेंगे कि आखिर इसे किस तरह से बनाया गया है तेजस की प्रोडक्शन लाइन यानी जहां ये तैयार किए जाते हैं वहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया एच ने खासतौर पर तेजस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी और आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से हुई डॉग स्क्वाड में वीर चक्र विजेता विंग कमांडर अभिनंदन ने बेहदी बहादुरी का परिचय दिखाया और पाकिस्तान के आधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया था लेकिन इस डॉग स्क्वाड फाइट में उनका मेघ 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था जिसे मेघ 21 को विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे वो करीब 40 वर्ष पुराना था ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर भारतीय वायुसेना इतने पुराने फाइटर जेट्स को क्यों उड़ा रहे हैं इसका जवाब यह है कि इन पुराने परे आ, पर चुके विमानों की जगह भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बो एयरक्राफ्ट यानी तेजस लेगा वहीं तेजस विमान जो वर्ष 2016 में वायुसेना के जंगी बेरे में शामिल हो गया था लेकिन तीन साल इस्तेमाल करने के बाद वायुसेना और एच को तेजस को और अधिक अधिक घातक बनाने की जरूरत पड़ गई हालांकि किस तरह ये तेजस में आधुनिक हथियार मिसाइल और एयरनोटिक्स लगने जा रहे हैं ये बताने के लिए एच ने बेंगलुरु स्थित अपनी फैसिलिटी में निमंत्रण दिया यहां पर प्रोडक्शन लाइन से लेकर तेजस का खुद का रनवे है जहां पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अपने ऑपरेशन के लिए लगातार टेस्ट करता रहता है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यानी एच अब तक 16 एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण कर वायुसेना को सौंप चुका है इन्हें तेजस आईओसी यानी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस का नाम दिया गया है इन आईओसी विमानों का थोड़ा मॉडिफाइड यानी अपग्रेड कर एल एफओसी यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस बनना शुरू हो गया है कुल 32 आईओसी और एफओसी एयरक्राफ्ट वायुसेना को मिलने हैं इसके साथ ही कुल आठ ट्रेनर आईओसी और एफ चार चार भी एच को सौंपने हैं इस तरह 40 तेजस विमान एच को भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करने हैं लेकिन अब जो नए तेजस विमान भारतीय वायुसेना को मिलेंगे वे और अधिक अत्याधुनिक होंगे ऐसे तेरासी LCA मार्क वन को तैयार करना है जो माना जा रहा है कि अमेरिका के एफ सिक्सटीन और चीन के एफ सेवनटीन से भी एडवांस एयरक्राफ्ट है ऐसे में आने वाले समय में कुल एक तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे ये मार्क वन ए फाइटर जेट विजुअल रेंज मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो आंखों की नजरों से दूर 25 से 30 किलोमीटर दूर भी टारगेट को एंगेज यानी मार गिरा सकता है और उससे ये लैश होगी उनमें ईडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा जिसके जरिए अगर तेजस पर कोई मिसाइल लॉक होती है तो पायलट को कॉकपिट में लगे सेंसर से तुरंत पता चल जाएगा नए तेजस में रजार वार्निंग सिस्टम भी होगा यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में आते ही पायलट को अलर्ट चला जाएगा खास ऐसा रडार लगी होगी जो तेजस की क्षमताओं को और अधिक बढ़ा देगी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही उसमें ईंधन दिया जा सकेगा एलसीए तेजस फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम किया गया है जबकि अमेरिका का एफ सिक्सटीन लड़ाकू विमान और चीन के जे एफ प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं एफ और जे मेटल जे एफ़ सेवेंटीन में मेटल धातु का इस्तेमाल किया गया है मेटल का बना होने के चलते वे जल्द ही रडार की जद में आ जाते हैं जबकि तेजस कंपोजिट मटेरियल का होने के चलते हल्का भी हो जाता है और दुश्मन के रडार में भी आसानी से नहीं आ पाता भारत का पड़ोसी और चिर परिचित दुश्मन पाकिस्तान इन दोनों लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है इसलिए ये विदेशी फाइटर जेट एविनोकस और फ्लाइट कंट्रोल में तेजस का मुकाबला बामुश्किल ही कर पाएंगे साथ ही विदेशी लड़ाकू विमानों को सोर्स कोड भी भारत के लिए मुश्किल खरी करता है प्लांट में विजिट के दौरान एचएल के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी देश किसी विदेशी एयरक्राफ्ट को तो खरीद सकता है लेकिन ऐसा देखने में आया है कि अगर उस विदेशी लड़ाकू विमान का समय के साथ अपग्रेड कराया जाए तो उसकी तकनीकी ओरिजिनल फाइटर जेट के दाम से भी ज़्यादा महंगी होती है इसलिए जरूरी है कि भारतीय वायुसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का इस्तेमाल करे ताकि भविष्य में उसे अपग्रेडेड मिसाइल या अभियोनिक से लगाया जाए तो उसमें वायुसेना को ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े भारतीय वायुसेना ने जब मिराज 2000 का अपग्रेड किया तो ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था करीब 9 टन के वजन वाला तेजस एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और अपने तेजस विमान करीब 35 टन के मिसाइल बम और दूसरा भार उठा सकता है एच एल ने नए तेजस विमान को जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस किया है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन जाम न हो पाए जैसा कि 27 फरवरी को पाकिस्तान से डॉग फाइट के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने के मिग इक्कीस लड़ाकू विमान को हो गया था साथ ही तेजस मार्ग बोने में लेजर डेजिग्नेटेड पॉट्स और लेजर गाइडेड बम का एक साथ लगाए गए हैं आपको बता दें कि ये तकनीक बालाकोट में आतंकियों के कैंप पर स्ट्राइक करने वाले मिराज 2000 में भी नहीं थी यानी भारत का तेजस विमान अब एक मल्टी रोल फाइटर जेट के श्रेणी में आ गया है और एयर सुप्रियरिटी और डीप पेंट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करने में भी सक्षम हो गया है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति और वायु शक्ति नाम की जो दो एक्सरसाइज की थी उनमें पाया गया था कि एल तेजस की सर्विसेबिलिटी बाकी फ़ाइटर जेट से कहीं ज़्यादा थी यानी एक समय में कौन से फ़ाइटर जेट्स में कितने ऑपरेशन के लिए तैयार थे उनमें तेजस का प्रेजेंट सबसे ज़्यादा थे प्रेजेंटेज प्रसेंटेज सबसे ज़्यादा थे और एल का मेंटेनेंस भी दूसरे फ़ाइटर जेट के मुकाबले कम है यहाँ तक कि टर्न अराउंड टाइम ही बहुत कम है इसके मायने ये है कि एक लंबी फ्लाइंग के बाद भी तेजस बेहद कम समय में अगली सूट यानी उड़ान के लिए तैयार हो जाता है यही वजह है कि कई एच तेजस के टॉप एंड मॉडल को निर्यात करने का प्लान बना रहा है और हाल ही में मलेशिया में हुए लीमा एयर शोसो में तेजस की परफॉर्मेंस देख दुनिया भर की वायुसेना ने भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमान की जमकर तारीफ की मलेशिया ने तो तेजस को खरीदने का प्रपोजल भी दिया है आपको बता दें कि स्वदेशी तो लड़ाकू विमान तेजस अब समंदर की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भी तैयार है कुछ दिन पहले तेजस के नेवल वर्जन ने गोवा बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने की दिशा में एक अहम फ्लाइट टेस्ट पूरा कर लिया है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए नेवी ने विमान वाहक युद्धपोत की तरह ही महज 100 मीटर से अरेस्टेड लैंडिंग नियंत्रण लैंडिंग की कर इतिहास रच दिया है इस टेस्ट के बाद जल्द ही तेजस को भारतीय नौसेना की उत्पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर फ्लाइट टेस्ट कराया जाएगा अगर तेजस इस टेस्ट में खरा उतरता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की कई श्रेणी में शामिल हो जाएगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने वाले फाइटर जेट का निर्माण करते हैं अभी तक ये रिकॉर्ड अमेरिका रूस और फ्रांस जैसे